हरे कृष्णा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पिगमेंटेशन कुछ भी करने के बाद ठीक नहीं हो रहा। देखिए, पिगमेंटेशन के होने के बहुत सारे कारण होते हैं और उन बहुत सारे कारणों में से आपके आ जाते हैं हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से, शरीर में खाना ना लगने की वजह से, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम की वजह से, आपके पित्त के इम्बेलेंस होने की वजह से, शरीर में टॉक्सिन की वजह से, स्किन के एक्टिव ना होने की वजह से और आपकी स्किन बाह्य तौर पर खराब होने की वजह से, जैसे कि सूर्य की वजह से खराब हो गई, स्किन में आपके टैन हो गया उस वजह से। इन सभी कारणों से अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो वो पिगमेंटेशन आपके नेचुरल डाइट फॉलो करने से, घी लगाने से और साथ में मेडिसिन लेने से सॉल्व हो जाती है, इन सभी कारणों से। लेकिन अगर कारण ये है कि जो आपकी स्किन का रीजनरेशन ही होना रुक गया है, यानी कि आपकी न्यू सेल्स ही बननी बंद हो गई है, मान लीजिए आपकी ये जो काली वाली सेल है, जो अंदर से जो मेलानिन है, अगर ये मैच्योर हो गई और वो एज इट इज मैच्योर ही रहती है, यानी कि वो रिप्लेस नहीं होती है 30 दिन में, 60 दिन में, तो आपकी पिगमेंटेशन जाएगी नहीं, वो ऐसे की ऐसी ही रहेगी। अब कैसे पता करें कि जो हमारी हमारी सेल है मेलानिन वाली, वो रिप्लेस हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, जब आपकी मेलानिन की सेल दूसरे मेलानिन से रिप्लेस होगी, मेलानिन समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमें मेलाज्मा हो गया, जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन हो गया, वो हमारे त्वचा के अंदर मेलानिन नाम का तत्व होता है जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन होता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो जो सेल है जिसमें से वो निकलता है, मेलानोसाइट सेल्स में से वो निकलता है, अगर मेलानोसाइट सेल्स एक बार में वो काली पड़ गई है और वो अपना फॉर्म नहीं चेंज कर रही है, वो रिप्लेस नहीं हो रही है दूसरी सेल से, है ना, हमारे शरीर के अंदर एक आदत होती है, ये प्रकृति है कि वो खुद को खुद चेंज करती है। हमारी स्किन 30 से 60 दिन में चेंज हो जाती है, हमारे शरीर को ठीक होने में 7 साल लग जाते हैं, चेंज होने में पूरे शरीर को एक बार चेंज होने में 7 साल लगते हैं। तो ये जो हमारी सेल है, अगर वो रिप्लेस नहीं हो रही है, आपकी रीजनरेट नहीं हो रही है, तो आपका पिगमेंटेशन ना ही लाइट होगा ना ही डार्क होगा, बस वो एज इट इज रहेगा, कुछ भी कर लो आप, फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो उसी चीज के लिए ये मैंने आपको मेडिसिन इंट्रोड्यूस की थी। एक तो मेडिसिन हमारे पास में ये है, सी बकथॉर्न नाम की मेडिसिन होती है ये। दूसरी मेडिसिन मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई थी, फेस ग्लो। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सी बकथॉर्न है, इसको हम बोलते हैं पुनर्नवा, यानी कि आपकी स्किन की यह पुनः निर्माण करती है। अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है, स्किन खराब है, ये पुनः निर्माण करती है इसका। आप इसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर, गूगल पर, आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका नाम है पुनर्नवा। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लिए थे क्योंकि अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मैं आपको बता दूं, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी स्किन को यंग रखने का काम करता है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है बाह्य बैक्टीरिया से, वायरस से और सूर्य की हानिकारक किरणों से। अगर आप इसको अंदर से लेते हैं तो नेचुरल प्रोटेक्शन आपकी त्वचा में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि अगर आपकी त्वचा हेल्दी है ना, तो आपको किसी भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, केवल आप छाता लगा लीजिए या फिर कैप लगा लीजिए, बस इतना इनफ होता है। ये सन से प्रोटेक्शन करता है आपकी। अगर आपकी एज 20 साल है, दिखते आप 35 साल के हो, तो ये इसमें बहुत मदद करता है आपकी एज को कम करने में। यानी कि आपकी एज अगर ये 40 की होगी तो दिखोगे आप 30 के इसको लेने के बाद में, ठीक है। ये आपके रिंकल्स को रोक देता है, यानी कि अगर आपको किसी भी वजह से रिंकल्स पड़ रहे हैं तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है आपकी, ठीक है। ये स्किन को रीजनरेशन करने का काम करता है। अब हमारा जो टॉपिक था वो था रीजनरेशन का, कि आपकी स्किन रीजनरेशन कैसे हो, क्योंकि देखिए जो बाकी जो चीजें हैं वो तो आप वैसे भी गेन कर लेते हो, जो भी चीजें मैंने आपको बता रखी है नेचुरल डाइट से, घी से, ये सभी चीजें आप फॉलो कर लेते हो बाकी चीजों से, लेकिन स्किन की रीजनरेशन आपकी इससे होती है, सी बकथॉर्न से। आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आता है इससे, ठीक है। और जो आपके मार्क्स हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन वाले मार्क्स हैं, ये इसको रिमूव करता है, यानी कि आपकी स्किन के लिए एक आइडियल मेडिसिन है। जिनका पिगमेंटेशन कुछ भी करने के बाद ठीक नहीं हो रहा, वो कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक इसको उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक शीशी इसको खा लिया और बोला कि नहीं एक शीशी हमने खा ली इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक, और एक प्रॉपर डाइट के साथ में, प्रॉपर हेल्दी वे में, नॉर्मल वॉक करनी है, नीम का जूस पीना है, ये सभी चीजें जो मैंने आपको डाइट बता रखी है उसके साथ में अगर आप इसको लेते हैं तो इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी के साथ में, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में करके डाला है मीशो पे, ये दोनों आपको एक साथ मंगाने होंगे, तो इसमें है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आप जानते हैं, बहुत प्रचार हुआ है मंजिष्ठा का हमारे पिगमेंटेशन को ठीक करने में, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। वायविडंग, ये आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। वायविडंग क्या करता है? ये हमारे त्वचा की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी कि अगर कहीं हमारे त्वचा में सूजन है, अगर हमारी स्किन सेंसिटिव हो गई है,
उसको ये कम करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, हमारे यूरिन को के इन्फेक्शन को ठीक करता है, किडनी इन्फेक्शन को ठीक करता है, और साथ में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ये सॉल्व करता है। यानी कि स्किन के लिए एक आइडियल मेडिसिन पड़ी है इसमें वाइबोडर्म, क्योंकि हमारी स्किन का जो कारण है पिगमेंटेशन के होने का वो पित्त की वजह से है, और कई बार पित्त इस वजह से होती है क्योंकि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन रुकता है, तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। तीसरा है इसके अंदर कुटकी, ये आपके लीवर को हेल्दी रखता है। कई बार आपको एजिंग स्पॉट देखते हैं, लीवर स्पॉट देखते हैं, तो ये आपके लीवर को हेल्दी करता है। चौथा है इसमें सरीवा, ये सेंसिटिव स्किन को भी ठीक करता है, यानी कि सेंसिटिव स्किन को ठीक करने के लिए इसमें दो दवाइयां आपकी आ गई हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसमें है एक चोप चीनी, जो कि आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है। यानी कि इसमें बहुत सारी मेडिसिन मैंने नहीं डाली हैं, है ना, जब मैं बनवा रहा था इसको तो मैं सोच रहा था कि इसमें 10-12 मेडिसिन ऐड करा दूं, लेकिन फिर क्या होता कि 10-12 मेडिसिन ऐड कराने के बाद में कोई भी दवाई काम नहीं करती। मैंने इसमें वो मेडिसिन चुनी जो कि बहुत मुख्य थी अपने पेशेंट के हिसाब से, वो जो 4 साल में मैंने पेशेंट देखे हैं, बात की है, उसके हिसाब से जो मुख्य कंप्लेंट पेशेंट की रही हैं उनके हिसाब से मैंने मेडिसिन को चूज किया और इसमें मैंने डाले, और ये मैंने अपने क्लिनिक पर पेशेंट को दिया है, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। लेकिन केवल उन्हीं पेशेंट को मैंने ये दिया है जिनको किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ध्यान रखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से है, ठीक है, तो ये आपके पिगमेंटेशन को लाइट तो करेगी बट पूरी तरह की ओर नहीं करेगी, उसके लिए आपको हार्मोन्स की ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चलो अब तो डॉक्टर साहब ने ये दो मेडिसिन बता दी, अब तो इसको लेके हम पिगमेंटेशन को ठीक कर लेते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपका पिगमेंटेशन पित्त भड़कने की वजह से है, आपका पिगमेंटेशन अगर स्किन एक्टिव नहीं है उसकी वजह से है, आपका पिगमेंटेशन अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस की वजह से है, इससे लाइट तो होगा बट कंप्लीटली ठीक होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के बैलेंस पर काम नहीं करती है। ठीक है, उतना अच्छा काम नहीं करती, करेगी, है ना, बट उतना अच्छे लेवल का काम नहीं करती जितना मैं पेशेंट को मेडिसिन पूछ के देता हूँ उनसे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, यानी कि जिन पेशेंट का पिगमेंटेशन बहुत स्लोली ठीक हो रहा है, जिन पेशेंट का पिगमेंटेशन ठीक ही नहीं हो रहा है, उनको ये मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए। जो पेशेंट मेरे पास से मेडिसिन ले रहे हैं और उनका पिगमेंटेशन बहुत स्लोली ठीक हो रहा है, तो ये मेडिसिन वो मंगा सकते हैं, ठीक है, या फिर मीशो से परचेज कर सकते हैं। वैसे तो मीशो से परचेज करने की उनकी आवश्यकता नहीं है, वो क्लिनिक से डायरेक्टली मंगा सकते हैं, क्योंकि मीशो से कई बार ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं हमारे पास में, तो ये मंगा सकते हैं। अब इसको खाने का तरीका, तो जो लोग हमसे मेडिसिन नहीं ले रहे हैं उनके लिए दिन में 3 बार की डोज है, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम, खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद में, दोनों एक साथ लेनी है आपको। और जो हमसे मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी उनकी मेडिसिन चल रही है, इसकी डोज है सुबह शाम, ठीक है। मैंने ये कई पेशेंट को अपने भेजी है, और कई मैंने अभी 2-3 दिन पहले कमेंट शेयर किया था जिसमें बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, अब जाके मेरा पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हुआ है, और मैंने कहा था कि आपकी पिगमेंटेशन इतनी जिद्दी थी कि वो अब जाके ठीक होनी शुरू हुई है, वो इन दोनों मेडिसिन की वजह से ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि मैंने उस किट के साथ में ये दो मेडिसिन लगाई और उसके बाद में जाके उनका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हुआ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो सी बकथॉर्न है आप इसको बाहर से परचेज कर सकते हैं, है ना, तो आप इसको बाहर से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि देखिए मैंने ये औषधि वहीं से मंगाई है जहां से इसका डायरेक्टली इंपोर्ट होता है, मैंने कहीं बीच से कोई भी किसी भी बीच में किसी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, जहां से डायरेक्टली मेरे पास में आ सकती थी मैंने इसको वहीं से मंगाया, ताकि इसकी प्योरिटी शो रहे, प्योरिटी इसकी रहे, और ये आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करे। लेकिन ध्यान रखिए, मैं फिर से कहूंगा, 6 महीने से लेके साल भर तक आपको इसको लेना है, तब जाके आपको बेस्ट रिजल्ट इसके मिलेंगे, और हो सकता है कि इसको लेने के बाद में पेशेंट 6-7 या 8 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाए, ठीक है, तो आप इसको अवश्य लें। अगर आप इसको मीशो से परचेज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि 1 महीने खाने के बाद ही आप इसको रिव्यू डालना शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक नहीं हो रहा है इससे, कि इससे तो कम नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये लंबे टाइम में जाकर फर्क करती है, अगर आप साथ में डाइट फॉलो करते हो जो मैंने बता रखी है, और कल की वीडियो में मैंने आपको डेली रूटीन बताया था कि सबसे ईजी रूटीन आपका ये है, अगर आप वो फॉलो करते हैं और साथ में ये मेडिसिन, तो 3 महीने के अंदर आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट इससे मिल सकते हैं, या फिर मिल जाएंगे। अगर 100 पेशेंट इसको लेते हैं तो 100 में से 90 पेशेंट को बहुत बेस्ट रिजल्ट इससे मिलेंगे। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।